ओके okay, कोई रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाए तो मुझे बोल देना। ओके ओके तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया, स्क्रीन शेयर हो गया। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हम लोग अपना क्लास चालू करते हैं। आज आज हम लोगों का टॉपिक है प्रेसी राइटिंग। तो आज हम लोग क्या करेंगे, किसी को पता है प्रेसी क्या होता है? विश्वजीत, मन्नन, शोविक, किसी को पता है कि प्रेसी क्या होता है? समरी। एग्जैक्टली ऐसे बोल सकते हो। प्रेसी कम्स फ्रॉम द वर्ड प्रिसाइज। प्रिसाइज मतलब बेसिकली इन शॉर्ट, जैसे कि समरी में होता है, एक पैसेज में होता है। मतलब प्रेसी होता है, प्रिसाइज से आता है, एंड किसी बात को प्रिसाइजली करना, इन शॉर्ट करना, उसको प्रेसी बोला जाता है। ओके तो ये है प्रेसी। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसके बारे में भी छोड़ दें, प्रेसी बेसिकली आपके इधर पे जो प्रेसी होगा वो दो टाइप्स के होंगे। एक होगा जब आप लोगों को पैराग्राफ फॉर्म में दिया जाएगा, पैराग्राफ के फॉर्म में होगा, और आप लोगों को उस प्रेसी को छोटा करके अपने वर्ड्स में विद इन अपने एक डेजिग्नेटेड वर्ड लिमिट, मान लो इधर 100 वर्ड्स का लिमिट है, उधर अगर बोल दिया 100 वर्ड्स का लिमिट तो 100, नहीं तो जितना बोलेंगे उतना, या अगर कुछ नहीं बोलेंगे तो 100 मान के चलेंगे उस लिमिट में, या फिर टॉपिक, ये भी 100 वर्ड्स के अंदर होता है। अच्छा, जब आप लोग पैराग्राफ वाइज करोगे तब क्या होगा, आप लोगों को एक पैराग्राफ दिया जाएगा, यानी आप लोगों को इसमें एक पैराग्राफ दिया जाएगा जिसको आप लोगों को ध्यान से केयरफुली पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है, और उसको एक प्रेसी में बदलना है विथ अ सूटेबल टाइटल, एक प्रॉपर हेडिंग या टाइटल देके, और उस टाइटल का मीनिंग बताना है साथ में, क्यों दिया है आपने। सेम बट ओनली अ टॉपिक विल be given and you have to write a precis on it। इसमें क्या होगा, टॉपिक वाले फॉर्मेट में इसमें आप लोगों को कोई पैराग्राफ नहीं मिलेगा, सिर्फ एक टॉपिक मिलेगा, उसको आप लोगों को अपने दिमाग से कहानी बना के प्रेसी बनाना है, और उसके टाइटल देना है, और उस टाइटल का जस्टिफिकेशन करना है। समझ में आया? यस दादा। ओके चलो फिर देखते हैं। हम लोग पहले पैराग्राफ फॉर्म में करेंगे।
एक कोई इजी पैराग्राफ करते हैं. जस्ट अ मिनट. ओके तो आप लोग सबको ही देख पा रहे हो ना. इधर देखो ये एक पैराग्राफ है. इसको चलो पढ़ते हैं हम लोग. सबसे पहले हम लोग पैराग्राफ फॉर्म ऑफ प्रेसी करेंगे. व्हेन द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी एडवाइज्ड इट्स एग्जामिनर्स टू अवॉइड वर्ड्स लाइक जीनियस एंड ब्रिलियंट. सबको सुनाई दे रहा है ना? हाँ भैया. Yes, because they exclude women, many of us rolled our eyes and dismissed it as a political correctness gone wild. But close your eyes. What is the first image that comes to your mind? When you hear about the word genius, it is Albert Einstein, Stephen Hawking, or Srivensa Ramanujan. Perhaps Shakespeare or Premchand, Steve Jobs. Whether you're a female or male, odds are your mind sees a man. Achha. These associations affect our perceptions of others, which in turn affects their self-image and choices. Gender gap in these in the sciences, for instance, can be partly explained by the notion that these areas call for genius or raw natural ability, which many women don't feel confident they possess. Reasons for the lack of confidence are also cultural. In the USA, a depressing piece of research found that even 60-year-olds were like to think that only boys as brilliant. When professors are rated, it's men who are described as stars and visionaries, and the same qualities are overlooked or disparaged in women. Think of the routine put down, hysterical, which literally means a disorder caused by the womb. The idea of a lone genius is a romantic myth.
hard work, collaboration and luck have as much to do with accomplishment as ability. And none of these traits are sexual characteristics. Thinking harder about how we filling around words like flair and brilliance might foster a better intellectual climate all around. तो ये आर्टिकल मैंने पढ़ा, आप लोगों ने सुना? Yes sir. Okay. तो कौन समझाएगा क्या लिखा है? बेसिकली ये एक आर्टिकल है किसके ऊपर, ये लोग बोल रहे हैं जीनियस का कोई जेंडर नहीं होता, ठीक है. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बारे में कहा गया है कि वो लोग को ब्रिलियंट एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी, जीनियस ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करना चाहिए. हम लोग जब भी जीनियस के बारे में सोचते हैं, हम लोग लड़कों के बारे में सोचते हैं या मर्दों के बारे में सोचते हैं. इट इज़ नेवर द विमेन वी टॉक अबाउट. हम लोग जब भी सोचते हैं तो हम लोग एल्बर्ट आइंस्टाइन, स्टीफन हॉकिंग, श्रीनिवासा रामानुजन परहैप्स इनके बारे में सोचते हैं, शेक्सपियर और प्रेमचंद के बारे में सोचते हैं, स्टीव जॉब्स के बारे में सोचते हैं. लेकिन औरतें भी तो हैं जो लोग जीनियस होती हैं, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मर्द होते हैं. इनफैक्ट सिर्फ लड़कों में नहीं, ये लड़कियों में भी ऐसे हो गया है कि वो लोग सोचना बंद कर दिए हैं कि औरतें भी ब्रिलियंट या फिर जीनियस हो सकती हैं. तो इसके बारे में कहा गया है. एंड वो लोग बोल रहे हैं कि लक, कोलैबोरेशन एंड क्या बोलते हैं, जितना हार्डवर्क आप करते हो वो सब भी मैटर करता है जीनियस होने के ऊपर. तो बोल रहे हैं अमेरिका में 60% ऐसी औरतें हैं जो सोचते हैं कि लड़के ही जीनियस हो सकते हैं, ब्रिलियंट हो सकते हैं, औरतें नहीं. तो ये एक डिसऑर्डर है जो कि माँ के पेट में यानी गर्भ में ही इस चीज का निर्माण होता है, ठीक है. तो इस चीज को लेके आर्टिकल बनाया गया है. अब इसके ऊपर हम लोग एक प्रेसी बनाएंगे. ओके, तो चलो सबसे पहले फॉर्मेट बनाओ. प्रेसी का फॉर्मेट हमेशा ऐसा होता है. ओहो, मैंने एक चीज गलत कर दिया, सॉरी. वन इधर लिखते हैं, वन टू. थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो इधर देखो 10 × 10 कितना होता है? 100. तो ये 100 वर्ड्स का हो गया. इसके ऊपर हमेशा लिखेंगे जो पैराग्राफ फॉर्म में दिखा रहे हैं, इसको एक बार रब कर रहे हैं हम, इरेज कर रहे हैं. इधर हमेशा रहेगा ऐसे लिखा हुआ. ये रफ वर्क है. तो हम लोग जो पैराग्राफ पढ़े उसको लिखते हैं. फुल स्टॉप और कॉमा के लिए अलग बॉक्स नहीं लेंगे, सेम बॉक्स में ही लिखेंगे. मेरा बॉक्स थोड़ा छोटा हो गया इसीलिए इधर प्रॉब्लम हो रही है. हम मुंह से बोल रहे हैं, आप लिख रहे हैं, आप लोग भी लिख लो. ब्रिलियंट हैज नो, ब्रिलियंस हैज नो जेंडर. जीनियस शुड नॉट बी यूज्ड एज पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, फुल स्टॉप. नॉट ओनली मेन बट वुमेन can also be brilliant. Full stop. Men and women both think that only boys can be brilliant and genius, comma, but the statement is not true. Around 60, the 60% women in the USA think that only boys are brilliant and genius, but factors like education, confidence, luck also play an important role in proving a person brilliant. Full stop. They say that a problem comes from
the mother's womb. Full stop. Hence, both men and women are brilliant and genius. Full stop. None is less than the other gender. Full stop. तो मेरा एक वर्ड बच गया तो हम उस चीज को नहीं लिख पाए. ठीक है, आप लोगों ने लिखा इस चीज को जैसे जैसे हम बोले? Yes, sir. हाँ भैया. ओके, अब रफ वर्क कर लेने के बाद आपको क्या करना है, इसके ऊपर से पेंसिल या पेन थ्रू कर देना है, ऐसे काट देना है, यानी रफ वर्क ओवर. अब आप लोगों को क्या करना है, ये तो था आप लोगों का स्टेप वन. ये पैराग्राफ फॉर्म प्रेस ही है. ये था स्टेप वन. स्टेप टू में आप लोगों को सबसे पहले एक टाइटल लिखना है. इसका एक टाइटल दो आप लोग अपने हिसाब से. हम मान लो दे रहे हैं इसका टाइटल दे रहे हैं Women can also be genius. ये था मेरा स्टेप टू. स्टेप थ्री, स्टेप टू में क्या करेंगे हम लोग, टाइटल देंगे हमेशा. ठीक है, स्टेप थ्री रीजन. आप लोग ऐसे टाइटल रीजन ऐसे नहीं लिखोगे, आप लोग डायरेक्ट ऐसे लिखोगे. टाइटल मान लो लिख दिया, रीजन नहीं देना. आई हैव chosen this title for my Prezi because I think being a genius has nothing to do with the gender of a person. Hence, women can also be genius. फुल स्टॉप. ये रीजन हो गया. एंड लास्ट में नंबर फोर, फेयर कॉपी ऊपर होगा हेडिंग. जैसे रफ वर्क था ना, फेयर कॉपी होगा, उसके नीचे आप लोग टाइटल दोगे और टाइटल देके पैराग्राफ फॉर्म में आप अपना प्रेसी लिखोगे. ये जो आप लोगों ने इधर रफ वर्क में लिखा था ना, ये लिखा था कि नहीं हम लोगों ने, रफ वर्क बनाया था कि नहीं? Yes, sir. इसी को फेयर कॉपी में हम लोग पैराग्राफ फॉर्म में विदाउट ऐसे लाइन वाइन खींचे लिखेंगे और ऊपर हम लोगों ने जो टाइटल डिसाइड किया था इधर टाइटल को लिखेंगे. ये जो टाइटल लिखा है मैंने इधर, ये टाइटल इधर नहीं लिखेंगे, इधर सिर्फ टाइटल को जो हम लोग डिसाइड किए थे उसको लिखेंगे और नीचे पैराग्राफ फॉर्म में हम लोग प्रेसी को लिख देंगे. ठीक है, समझ में आया सबको, दोनों को? Yes, sir. बोलो सबसे पहला स्टेप क्या है मन्नन? पैराग्राफ फॉर्म.
आप लोग ऐसे लाइन खींच के 100 × 100 10 × 10 100 करोगे करके ऐसे रफ वर्क के लिए ऐसे बनाओगे और आप लोग जो पैराग्राफ दिया होगा उसको पढ़ के उसके से अपना प्रेसी बना के उसको ऐसे बीच में से काट दोगे पेंसिल से. ये है फर्स्ट स्टेप. सेकंड स्टेप क्या है विश्व जी? टाइटल चूज कर. हाँ टाइटल दोगे अपने हिसाब से सेकंड स्टेप में. थर्ड स्टेप में मनन क्या करना है? सर रीजन. रीजन या फिर एक्सप्लेनेशन ऑफ द टाइटल कि आप लोगों ने ऐसा टाइटल क्यों चूज किया. एंड फोर्थ स्टेप में क्या करना है विश्वजीत? जो ऊपर ऑफ कॉपी लिखे थे उसी का नीचे टाइटल देके फिर कॉपी लिखना है. जो टाइटल मैंने चूज किया है उसको मैंने लिख के नीचे उसको फेयर कॉपी में एक पैराग्राफ फॉर्म में उस प्रेसी को लिख देना है. समझ में आया? यस सर. हां भैया. ओके. अच्छा अब अगर मान लो यही सेम चीज अब ये कौन सा टाइप करेंगे हम लोग? टॉपिक टाइप. एग्जैक्टली टॉपिक टाइप. इसमें आप लोगों को एक टॉपिक दे दिया होगा. एग्जाम्पल ले लो यही सेम चीज को पकड़ते हैं हम लोग. जीनियस. इधर क्या था टॉपिक? जीनियस हैज अ जेंडर. Only in our minds. दिख रहा है ना? Yes, sir. मान लो ये कर दिया है, ये ऐसे टॉपिक दे दिया एग्जाम्पल में. तब हम लोग सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे? इसको टॉपिक को लिया, फिर से इधर लिखा फिर से हम लोग ऐसे बनाएंगे. हम पूरा फिर से नहीं कर रहे हैं. बेसिकली इधर वन से लेके ऐसे 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 होगा क्या 10 तक और इधर वन से लेके ऐसे ऐसे होगा क्या 10 तक. इधर साइड में कर देंगे 10 × 10 = 100 करके पूरा हम लोगों का जो प्रेसी था उसको बनाएंगे हम लोग इस टॉपिक में से. इधर कोई पैसेज नहीं है, आप अपने मन से कहानी बनाओगे 100 words में, बना के उसको पेंसिल या पेन थ्रू कर दोगे ऐसे करके. स्टेप टू में क्या करेंगे फिर हम लोग? बोलो सर. टाइटल चूज करेंगे. टाइटल फिर से हम लोग एक सूटेबल टाइटल इधर लिखेंगे. ठीक है. स्टेप थ्री में क्या करेंगे? रीजन फॉर द टाइटल चूज. रीजन फॉर द टाइटल वो रीजन लिखेंगे. एंड स्टेप फोर में क्या करेंगे? फेयर कॉपी. फेयर कॉपी ये मोर ये फेयर कॉपी में हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे? टाइटल और उसके नीचे प्रेसी. है ना जैसे सिखाया था. बस इसमें क्या डिफरेंस हो जाएगा? इधर आप लोगों को टॉपिक दिया हुआ रहेगा, आप लोगों को उसमें से कहानी ऐसे बनाना है. और पिछले वाले में क्या था? आप लोगों को पैसेज दिया हुआ था, वहां से आप लोगों ने अपना प्रेसी बनाया था. है ना? यस सर. तो आप लोगों को समझ में आया बेसिकली प्रेसी कितना इजी है? हाँ भैया. ओके. यस सर. तो हम होमवर्क भेज देंगे. Yes, sir. Okay. चलो आज इधर तक ही रखते हैं.